नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पिक्चर देखने। पिक्चर का नाम है खैरी का दिन और हमारे साथ में है रोहित रावत। रोहित रावत जी हमें ले जाएंगे, देखते हैं। चलो बढ़ते आगे सर। तो बस इस तरह से हमारा जो सफर शुरू हुआ उसकी मंजिल थी सिल्वर सिटी पिक्चर हॉल, जहाँ पे हमारी फेवरेट गढ़वाली फिल्म लगी हुई थी खैरी का दिन। तो हम चल पड़े देहरादून की गलियां, गरम खूबसूरत मौसम, आवारा गर्दी और घुमक्कड़ी के लिए आदर्श। आज तो इतवार का दिन था, इतवार यानी संडे, छुट्टी और फुर्सत का दिन। सड़कों पे ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही थी और हम अपने रास्ते से अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। बल्लूपुर का फ्लाईओवर देहरादून के नए लैंडमार्क में से एक है। हाईवे पे बने हुए इस फ्लाईओवर से क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े और एक के बाद एक हमारी आंखों के सामने देहरादून के सारे लैंडमार्क आते चले गए। ऐतिहासिक शहर देहरादून अपने आप में कई छवियों को छुपाए हुए है। आप देहरादून आए हों और कृष्ण अर्जुन की इस मूर्ति को न जानते हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें मिली LIC बिल्डिंग। कहते हैं सेठ मनसाराम ने इसे रिहाइश के लिए बनवाया था, लेकिन फ्लैट में बिक्री न होने की वजह से ये LIC ने जब्त कर लिया। और फिर सामने आया बलबीर टावर। नहीं आया समझ में? जी हाँ, यही इसका नाम है। वैसे लोग इसे घंटाघर के नाम से ही जानते हैं। कहते हैं ना कि राहें अगर खूबसूरत हों तो सफ़र भी खूबसूरत ही लगता है, और मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो उसके इंतज़ार में भी एक मज़ा सा आने लगता है। और वही इस वक्त हम लोग महसूस कर रहे थे। हमारी मंजिल आने वाली थी यानी सिल्वर सिटी मॉल, और आखिर 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए सिल्वर सिटी मॉल में, जहाँ पे गढ़वाली फिल्म खैरी का दिन का प्रीमियर हो रहा था। हाँ जी, और रोहित सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मूवी देख के पता लगेगा। मूवी देख के पता लगेगा, सही बात है। एस्केलेटर यानी खुद से चलने वाली सीढ़ियाँ तो नहीं चल रही हैं, इस वक्त तो हमें चढ़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मूवी की टिकट्स ली और उसके बाद हम अपनी फिल्म को एंजॉय करने लगे। इंटरवल का टाइम है और रोहित अभी दिख नहीं रहे, उजाला नहीं है पूरा थोड़ी। फिल्म ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छी फिल्म है। ये अशोक चौहान जी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है, इसमें सभी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें प्रधान जी का कैरेक्टर बहुत शानदार है और सुंदरू भाई ने तो मतलब मज़ा ही दिला दिया, बहुत बढ़िया। फिल्म ख़त्म हो गई है, रोहित सर अभी अंधेरे में हम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो रोहित सर फिल्म ख़त्म हो गई है, कैसा लगा आपको फिल्म को देखकर? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है।